नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बात में। मैं अवंतिका राज चौधरी, आइए जानते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े 3 राज्यों के आधा दर्जन ठिकानों पर बुधवार से शुरू हुआ आयकर का छापा आज भी जारी है। आयकर सूत्रों के मुताबिक ठिकानों में से 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि मिली है। कल तक 50 करोड़ रुपए तक की नोटों की गिनती पूरी हो चुकी थी, लेकिन नोटों की संख्या इतनी अधिक थी कि मशीनों ने काम करना ही बंद कर दिया। आज सुबह से गिनती चल रही है। आज 7 दिसंबर को झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से आहूत करने का प्रस्ताव आएगा। वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को भी ST SC OBC के छात्रों के बराबर छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रस्ताव आ सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज पोटका पहुंचे। पोटका के सामनाडी में उनके साथ मंत्री चंपई सोरेन व सत्यानंद भोक्ता, विधायक रामदास सोरेन, मंगल कालिंदी, सजीव सरदार व समीर महंती भी पहुंचे। पाकुड़ जिले में आदिवासी अधिकार यात्रा के दूसरे दिन लिट्टीपाड़ा के कुमार भाजा से यात्रा शुरू हुई। यात्रा शुरू करने से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पत्रकारों से कहा कि अधिकार यात्रा का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों को अपना हक दिलाना है। राज्य की हेमंत सरकार पाकुड़, दुमका, साहिबगंज के पत्थर खदानों को बाहरी लोगों के हाथ बेच रही है। झारखंड के साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में रांची CBI की टीम ने पंकज मिश्रा, दाहू यादव एवं पवित्र यादव के आवास पर गुरुवार को छापेमारी की। साहिबगंज SDO कोठी स्थित पंकज मिश्रा के आवास पर CBI के द्वारा छापेमारी की गई। आपको बता दें कि अवैध खनन की CBI जांच रोकने के लिए पंकज मिश्रा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पिछले दिनों खारिज कर दी गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 13 दिसंबर को जामताड़ा के नाला जाएंगे। इस दौरान नाला प्रखंड में आयोजित आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर समाहरणालय सभागार में DC शशिभूषण मेहरा की अध्यक्षता में जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ बुधवार को बैठक हुई थी। BJP में शामिल हुए रामचंद्र सिंह उर्फ RCP सिंह ने बुधवार को दावा किया कि अब 2024 का लोकसभा चुनाव क्लियर हो चुका है कि फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। इसके साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में नहीं होगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार बुरी तरह हारेंगे और फिर इनका जो गठबंधन है वह सब खत्म हो जाएगा। तेलंगाना में कांग्रेस के रेवंत रेड्डी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता कार्यक्रम में शामिल रहे। शपथ ग्रहण में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचे। भारतीय महिला टीम को सीजन के पहले ही मुकाबले में पराजय का सामना करना पड़ा है। टीम को इंग्लैंड ने T20 सीरीज के पहले मुकाबले में 38 रन से हराया। इस जीत से इंग्लिश टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। बिग बॉस 17 के घर में कोरियन सिंगर बॉय बैंड AA के मेंबर ऑरा की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। ऑरा कोरियन के साथ हिंदी गानों का भी शौक रखते हैं। आज की बात में आज के लिए इतना ही। इस तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें The Fourth Pillar News। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारी वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।